ये ट्रैक सूट है, इसकी हमको लंबाई बढ़ाना है। और हमारे पास एक ये टी शर्ट है, देखिए आप, इस टी शर्ट को भी टॉप में कन्वर्ट करना है हमको। तो हमने इसकी इस तरह से लंबाई काट ली है, 8 इंच लंबाई काटी है हमने, देखिए 8 इंच लंबाई काट रहे हम। ये 8 इंच का हमने नाप ले लिया है। ये निशान लगा लिया हमने, 8 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। ये इस तरह से हमने इसको दोनों लाइन खींच ली है। ये अब हम इसको काट रहे हैं, देखिए। ये हमने 8 इंच की लंबाई काट ली इसके अंदर, टी शर्ट के अंदर। अब इसको हम 4 4 इंच का दोनों पट्टा बना लेंगे। ये 4 इंच का हमने पट्टा काट लिया इसके अंदर। ये 4 इंच का पट्टा कट गया अब हमारा। अब हमने ये वो ट्रैक सूट की जो गोलाई थी उसकी गोले के बराबर ये कपड़ा काट लिया, इसको भी गोल करके इस प्रकार से अब हम सिल रहे हैं, देखिए आप। राउंड, पूरा राउंड के अंदर हम सिल लेंगे लंबाई के अंदर। ये पूरा राउंड सिल लिया हमने। पूरा गोल सर्कल के हिसाब से सिल लिया हमने, देखिए आप। ये सिल लिया अब हमने। अब इसको हम पलट के ऊपर की ओर एक सिलाई और लगा रहे हैं, जिससे कि अपनी सिलाई अच्छी फिनिशिंग से अपनी सिलाई दिखेगी। आप देखिए, ये ऊपर से अपन ने एक सिलाई लगा ली है। इसी प्रकार से आपके यहाँ अगर कोई ट्रैक सूट छोटा पड़ रहा हो, तो आपके पास कोई वेस्टेज टी शर्ट पड़ी हो घर में जो नहीं पहनने में आ रही हो, तो उसको भी आप काट के इस प्रकार से जोड़ के लंबाई बढ़ा सकते हैं। ये अब हमने देखिए डबल सिलाई लगा दी पूरी इसके अंदर। ये अब हमारी पूरी लंबाई बढ़ गई है, ये टी शर्ट हमने तैयार हो गया। अब ये टॉप बचा, इसको हम नीचे की ओर, नीचे वाले हिस्से के अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे। हम अपनी कमर से हमने 4 इंच छोटा इलास्टिक काटा है, अपनी कमर की गोलाई से 4 इंच छोटा इलास्टिक काट लिया है और इसके ऊपर रख के अब हम सिल रहे हैं। इलास्टिक को भी हमने गोल कर लिया पहले, उसके बाद ये हम इलास्टिक को खींच खींच के सिलेंगे, जिससे कि पूरे में आ जावे। इलास्टिक को खींच के सिलना है, पीछे से एक हाथ से अपनी टी शर्ट को खींचते जाने का भी है। ये इस तरह से हमने निशान भी लगा ली थी इसके अंदर 4 हिस्से करके, जिससे कि अपना इलास्टिक बिल्कुल सही तरह से लग जावे। ये अपने चारों तरफ इलास्टिक हो सिला गया, ये देखिए आप। अभी हमारा टी शर्ट का टॉप बन गया है।